कोई देर में नहीं जुड़ेगा, कोई बच्चा देर में जो आया बहुत मारा जाएगा पटक पटक के, टाइम से आया करो भाई, देर मत किया करो। चलो कल मैंने क्वेश्चन दिया था चलते चलते, आप लोगों ने हल भी किया होगा, क्वेश्चन फिर से सुन लेना। यार आज थोड़ा सा क्या बताऊँ, मुझे खुद शर्म लग रही है इसलिए कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अगर मैं दिखा देता तो अच्छा रहता, दिखना ना पड़ता ना, वैसे मैं लिखूंगा नहीं, वैसे भी सुन लो क्वेश्चन। कह रहा कि एक बस क्वेश्चन सुन रहे हो ना, कान वान खुला है, नहीं खुला है तो थोड़ा पानी वानी डाल के हिला लो, खुल जाए, सुनाई पड़ने लगे। सुनो ध्यान से क्वेश्चन, प्रश्न सुनो। एक बस 8 घंटे में, एक बस 8 घंटे में 720 किलोमीटर 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए फटाफट, देखते हैं क्या आपको आता है, जल्दी करिए क्योंकि ये बिल्कुल इस चैप्टर का एकदम मूल है, एकदम छोटा सा प्रश्न है। कान खुला है, सुनाई पड़ रहा है, चलो। मतलब टाइम दिया है, डिस्टेंस दी है, आपको स्पीड फाइंड करनी है, निकाल लोगे, सभी निकाल लेंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवम विश्वकर्मा ने सबसे पहले बताया है, लेकिन शिवम के पहले रीशु तिवारी ने बताया था, रीशु का थोड़ा सा गलत था क्योंकि इन्होंने मात्रक नहीं लगाया था। सुमन देवी का भी आ गया, ठीक है। तो बच्चा चाल बराबर आप सबको सूत्र पता है, दूरी बटा समय होता है, तो दूरी 720 है, समय 8 है, 8 × 72 होता है, मतलब 90 आएगा, और किलोमीटर पर घंटे उसकी चाल है। याद रखना, अगर 90 लिख दोगे एग्जाम में तो गलत कर देगा एग्जामिनर, तो उसे मत बोलना, बिना मात्रक के आंसर गलत है। अगर तुम किलोमीटर पर घंटा ना लगाए तो उत्तर गलत है भाई, कुछ समझ में ना आएगा ये कितना है, 90 किलो है कि 90 किलोमीटर पर घंटा है या 90 क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा ना। देखो यार, ये क्लास का जो टाइम है स्क्रीन पे दिखता है ना, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है क्योंकि अपडेट करने को जाता है भूल और सभी क्लास में आ जाता है। हाँ चलो ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ बड़े क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कह रहा कि एक कार का ऑडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर था, यदि यात्रा में 8 घंटे लगे तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा तथा मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है लेकिन है आसान, सुनो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कह रहा कि एक कार का ऑडोमीटर, पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऑडोमीटर जानते हैं, ऑडोमीटर कितने बच्चे जानते हैं, देखो सुनो इधर साइड में। मैंने पूछा कि ऑडोमीटर कितने बच्चे जानते हैं, जानते हो ऑडोमीटर वही होता है जिसमें इस काउंट होता है, कार में देखो लगा होता है, बाइक में लगा होता है, कितना स्पीड में कार जा रही है, कितनी दूरी चल चुकी है। अरे भाई मीटर जिसे बोलते हो गाड़ी का, तुम लोग मीटर जिसे बोलते हो सिंपल में, वही होता है ऑडोमीटर, ठीक है। नाभ्या गुप्ता जी बहुत बहुत थैंक यू, चलिए ठीक है समझिए। तो ऑडोमीटर मतलब समझ गए, क्वेश्चन सुनो फिर से। कह रहा कि एक कार का ऑडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर था और यात्रा के अंत में 2400। यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर था और यात्रा के अंत में 2400 हो गया,
यानी कुल मिला करके आप ये समझना कि पहले 2000 था, बाद में 2400 हो गया, यानी वो गाड़ी 400 किलोमीटर और चली, बोलो चली ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर, यानी हमें क्या दिया है, दूरी बराबर 400 किलोमीटर। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा कि एक कार का ऑडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर था। ये सिर्फ दूरी के लिए इतना बड़ा पेंच घुमाया, सीधा फीदा नहीं बोलता ये हरामखोर कि वो कार 400 किलोमीटर गई है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है। इतनी लंबी कहानी बना रहा है केवल तुम्हें दूरी निकालने के लिए, बस। एक कार का ऑडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर था। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे हैं, यानी समय दिया है, सीधा सीधा दिया है, यात्रा में 8 घंटे लगे हैं तो कार की औसत चाल, बस इनको औसत चाल निकालना है, मेन यही मतलब है, औसत चाल निकालना है। लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में निकालना है, मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। कितने लोग निकाल लेंगे पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन सुन पाए आप लोग कि नहीं, क्वेश्चन सुन पाए ना। औसत चाल निकालना बेटा, ठीक है, औसत चाल निकालना है, औसत चाल एवरेज। चलो मैं बताता हूं, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कल ही औसत चाल का सूत्र बताया था, क्या बताया था, बताया था ना कल, प्रियंका का भी आ गया, सब लोग 50-50 बता रहे हैं, कैसे भैया। हाँ ए जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये गड़बड़ कर रहे हो मुझे लग रहा है, सही है, ठीक है। तो लिखो कार की औसत चाल बराबर, कार की औसत चाल बराबर, कुल मिला के चाल या औसत चाल मतलब एक हुआ यहाँ पर, ठीक है समझ रहा हूँ मैं, औसत चाल बराबर लिखो, या फिर चाल को मैंने कहा था कि बी से डिनोट करते हैं, हाँ यस अपान टी, तो ये क्या आ जाएगा, यस मतलब दूरी, टी मतलब समय, तो ये 50 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा ये बताओ मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ इसमें, मीटर पर सेकंड में बताओ। चलो देखो सीधा सा है, जो आपका दिया गया है ना दूरी किलोमीटर में जो दी गई है उसे मीटर में करना है, और जो समय घंटे में दिया गया उसे सेकंड में बदलना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ इसको मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, इसको तो लिख लिए, दूसरा उत्तर देख लो, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कैसे करेंगे, मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ आपको जिससे क्लियर समझ में आए। मीटर पर सेकंड में भी पूछा था, जिसको अधिकांश बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है, समझो आपको पता है, ये अभी अभी मैंने निकाला है। तो देखो बच्चा ये दिया था कितना, 400/8, लेकिन ये दूरी जो है वो किलोमीटर में दी गई थी, समय जो है वो घंटे में दिया गया था। तो क्या करेंगे, पहले मुझे ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बोलो एक एक बच्चा बोलेगा कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, पढ़ लो नहीं तो कान लाल कर देंगे, जान लो 1000 होता है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो मिनट नहीं पता सेकंड का जानेंगे, 1 घंटे शिवम सबसे पहले बताया, अरविंद विकास सुमन हृदय वर्तिका, ठीक है 1 घंटे में एक 60 सेकंड बता रहा है, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए तुम,
एक घंटे में 60 मिनट होता है, अगर सेकंड की बात करेंगे तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, अगर इसको हम सेकंड में बदलेंगे बचवा तो ये 60 × 60 हो जाएगा बराबर 3600 सेकंड होगा, ठीक है 3600 सेकंड होगा। तो सीधी सी बात है, हमें जो किलोमीटर में दिया है उसे मीटर में बदलना है, जो घंटे में दिया उसे सेकंड में बदलना है, यानी हमें इसमें 1000 से और इसमें 3600 से गुणा कर देना है, बस यही करना है, इसी को हल कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा जो आंसर आएगा, ठीक है। शॉर्टकट में लोग बोलते हैं इसे क्या 5/18 से गुणा करना है, हाँ शॉर्टकट में बोलते हैं। चलो हल करना बहुत आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो पहले आपस में, इनको ऐसे ही काट दो, चलो ठीक है, इनको आपस में काट लो ऐसे, 2 × 5 = 10 और ये 18 आ गया, लेकिन ध्यान रहे कटेगा तो पूरा पूरा कटेगा, एक एक नहीं कटेगा ऐसे। तो पहले तो इनको हम छोटा करके वैसे भी लिख सकते हैं, अब ये नीचे ऊपर से कहीं कटने वाला है नहीं बच्चा, देखो ये 3 से कटेगा 6 से कटेगा, लेकिन ऊपर के जो नंबर हैं ये किसी से नहीं कटने वाला ऐसे, तो इनका गुणा करो 5 × 20, मैं लिख लेता हूँ फिलहाल 400, ये 18 मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको काट के, और ये 5 और ये आपका 8 × 18, कोई इसको हल करके बताएगा कितना आएगा, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो आप लोग, 400 ही तो दिया था, 8 ही तो दिया था, हल करके बताओ कितना आएगा, देखो इसको हल करना आसान है, आप इनको काट दो 8 से, तो बच्चा आपका ये आ जाएगा 50, हाँ 50 ही तो आएगा ना, 50 × 5 गुणा कर लो 250/18, भाई 50 × 5 में गुणा कर दो, इनको भाग करोगे 18 से, आप लोगों को भाग करना आता है, सीधी बात है 13 समथिंग आएगा, 13.9 मीटर पर सेकंड, यानी वो कार एक सेकंड में 13 किलोमीटर जाएगी, गलत, एक सेकंड में 13.9 मीटर जाएगी, मतलब लगभग 14 मीटर, समझ में आया ना। देखो बच्चा ये तो हर कोई कर लेता है किलोमीटर पर घंटे वाला, लेकिन मीटर पर सेकंड में गड़बड़ा जाते हो, तो मैं यहाँ पर आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, और स्क्रीनशॉट ले लो, एक बात और बताता हूँ, याद रखना, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े इसके लिए एक छोटा सा तरीका है, वो तो मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा था इसको, इसलिए मैं इतना बड़ा बता दिया जिससे आपका क्लियर हो जाए। कौन कह रहा है गलत हो गया, चलो लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। प्रियंका, नीतीश, नीरज, मोहित, चलो देखो शॉर्टकट का क्या मतलब है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, तो देखो बच्चा जो मैंने 1000/18 से गुणा, सॉरी यार 1000/3600 से गुणा करा था ना, कहीं भी अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो ना, तो याद रखना ये जो होता है ना अपना, ये अपना जो साथी है ना, इनको पहले कहीं अलग हल कर लो ऐसे, यानी हमें फाइनल में मेन चीज ले जाके रखना है 5/18 से गुणा करना, पूरा पूरा मत लिखना, नहीं तो वहां कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्हें हम 5/18 से गुणा करेंगे ये सीधा सीधा, और अगर ऐसा करते तो हम छोटा सा हल कर सकते थे, ये ऐसे ही कट जाता, मतलब आप देखो दो लाइन में हो जाता ना, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 5/18 बता देता तो तुम्हें समझ में ना आता कि ये कैसे आ गया, बात समझ में आई ना, लेकिन अगर आप लोग को याद रहेगा तब वो,
याद रहेगा तब। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, मैं ये बोलूं बच्चा कि आप लोग ये बताओ मुझे, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे दिया है तो आप उसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे ना। हाँ अच्छा एक और बताओ इसी पर आधारित, चलो अगर यहाँ में मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ क्वेश्चन में, आपके कैलकुलेशन को मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चा कर लेता है, सिर्फ हल कराना बड़ी बात नहीं है, आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर ये मैं कह देता हूँ कि भैया हो जो समय 8 घंटा ले रही थी ना ये, वो 5 घंटे में पहुंच जा रही है, तो अब मुझे इसकी औसत चाल बताओ, किलोमीटर पर घंटे में भी बताओ और मीटर पर सेकंड में बताओ। मैं देख रहा हूँ कितना बता लेता बच्चा, कौन कौन बता पाता है। हृदय पांडे बताइए, शिवम, प्रियंका, नाभ्या, प्रांजल सिंह, शालिनी विश्वकर्मा, अमितेश, बबलू कुमार, चंदन, और कौन है भाई, अरविंद। ठीक है जल्दी बताओ, कोई नहीं बताया अभी तक। अच्छा बता रहे, सबसे पहले आंसर दिया रीसू तिवारी ने, बहुत अच्छा रीसू जी, वेरी गुड। ठीक है शिवम विश्वकर्मा, ये तो सभी बता लेते मुझे पता है, लेकिन मीटर पर सेकंड वाला जो बताएगा पहले वो सिकंदर है। किलोमीटर प्रति घंटा तो बता ही लोगे, आसान है, मीटर पर सेकंड वाला बताओ, मीटर पर सेकंड वाला पहले कौन बता रहा है। ठीक है 80 किलोमीटर पर घंटे आएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड में बताओ। वर्तिका, सविता, ठीक है सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, एक्टिवेट हैं, इसका मतलब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। चलिए तो आप लोग कोशिश करते रहिए बच्चे, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है मैं देख पा रहा हूँ कमेंट, इसमें क्या करना है, सीधा सा बात है, गुणा कर देना है 5/18 से। हाँ 5/18 से मल्टीपल कर देना है, क्यों भैया, यही तो ना। चलो मैं देख लेता हूँ कमेंट, ठीक है 90/18 ये गलत है आंसर, रीसू तिवारी मीटर पर सेकंड ये गलत है। आप हल करिए उसको, कैलकुलेट करिए लास्ट पॉइंट तक, जब तक वो हल हो रहा है तब तक आप ऐसे नहीं कह सकती उसे, आप उसे साल्व करिए लास्ट पॉइंट तक, तब आप फाइनल आंसर कर सकती हैं, ऐसे नहीं। आप हल करके बताइए, देखिए जो भी आया है मैं बताता हूँ, यहाँ से समझना भाई, औसत चाल निकालेंगे तो क्या होगा, औसत चाल 400/5, ये 80 किलोमीटर पर घंटा आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जब इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो ध्यान देना कैसे करेंगे, औसत चाल, ये औसत चाल लिखा हूं मैं 400/5, मैंने बताया ना अभी 5/18 से गुणा करना है भाई, कर लो ना, रोका किसने है, 5 से 5 कट गया, इनको काटो ना, 2×9=18, तो 200/9 आएगा। इसे दशमलव में बदल के बताओ फाइनल में, ये गलत मुझे लग रहा है तुम्हारा, वर्तिका, प्रियंका का सही हो सकता है, वर्तिका गलत लग रहा है तुम्हारा, ये गड़बड़ जा रहा है। ठीक है इनको हमें क्या करना है, ऐसे भाग कर लेना चुप्पे से, ये लो, अब कुछ लोग कोई भागो करना नहीं आता है तो मैं क्या करूं उनके लिए, 9×18 घटाने पे 2 आएगा, ऊपर से 0 उतार लो, 9×18,
फिर घटाने पर दो आएगा, ऊपर दशमलव बढ़ा के जीरो उतार लो, मतलब ये बड़ा अजीब टाइप का नंबर आएगा। देखो बार बार दो रिपीट होगा ना, इसलिए हम दो हटा करके तीन लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड लगभग में। अगर आपने सार्थक अंक और कोटिमान पढ़ा था तो आपको मालूम होगा इसे हम लिख सकते हैं 22.23 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है अनगिनत बार। इसे मैंने क्या किया, एक बढ़ा दिया, ठीक है। ये 100% करेक्ट नहीं है, लगभग में है, और लगभग में ही इस तरह के प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है। एक प्रश्न आप लोग और बताइए, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, बोलूं मैं, तैयार होना आप लोग। एक प्रश्न आप लोग ध्यान से और भी सुनिए, मैं जो बोलने वाला हूं सुनना। तैयार हो ना सभी भाई? देखो सुबह 6 बजे क्लास चलती है बाबू, पहली बात तो आप लोग टाइम से जुड़ा करो, और दूसरी बात इस क्लास को बाद में भी देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बात है तो आप कमेंट करो, उसे हम देखेंगे, ठीक है। और अगर आपका लग रहा है कि टाइम नहीं सही है तो बता देना, टाइम भी देख लिया जाएगा, अदल बदला हो जाएगा। चलो क्वेश्चन सुनो। कह रहा कि एक छात्रा अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट तथा विद्यालय से घर वापस आने में 30 मिनट का समय लेती है, यानी स्कूल जाती है तो 30 मिनट का टाइम लगता है, लौट के आती है तो भी 30 मिनट का टाइम लगता है। कह रहा यदि उसके विद्यालय से घर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है तो बताइए छात्रा की औसत चाल क्या है और उसका औसत वेग कितना होगा। देखो इसमें औसत चाल और औसत वेग दोनों पूछा गया है, औसत चाल और वेग दोनों पूछा गया, ध्यान देना। एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुनो। एक छात्रा अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट तथा विद्यालय से घर वापस आने में भी 30 मिनट का समय लेती है, तो पहले तो मुझे ये बताओ समय कितना ले रही है। भैया जाने में 30 मिनट लग रहा है, आने में भी 30 मिनट लग रहा है, मतलब वो 60 मिनट का टाइम ले रही है, यानी हम कह सकते हैं कि उसे 1 घंटे का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 घंटे का टाइम लग रहा है। आगे कहता है कि यदि उसके विद्यालय से घर की दूरी 5 किलोमीटर है तो औसत चाल और औसत वेग बताइए, यानी दूरी अगर 5 किलोमीटर है, एक बार वो जा रही है फिर शाम को पढ़ के आ रही है, यानी 5 गई 5 आई, मतलब दूरी कितना। भैया दूरी जो है चाचा वो 10 किलोमीटर है, क्यों 5 गई 5 आई, आपको निकालना था औसत चाल। डिस्कनेक्ट हो रहा है का, ठीक है, औसत चाल बराबर निकाल लीजिए दूरी बटा समय, दूरी है 10, समय है 1 घंटे, बराबर 10 किलोमीटर पर घंटे। लेकिन जो औसत वेग है वो आपके लिए दिक्कत करेगा, क्या कोई बताएगा औसत वेग? औसत वेग के लिए बेटा आपको दो चीज चाहिए, क्या? समय अंतराल चाहिए और विस्थापन चाहिए। क्या चाहिए? विस्थापन और समय अंतराल। तो विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये कौन बताएगा? अच्छा जो अगर विस्थापन बता देगा ना वो हम मान लेंगे कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है। चलो विस्थापन कितना होगा भाई? स्कूल जा रही फिर स्कूल से आ रही घर,
मतलब घर से गई थी घर को लौट आई, विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले शंकर ने बताया है, बहुत अच्छे। विकास सिंह तुम्हारा तो सब गलत है। हृदय पांडे, प्रियंका, सुमन देवी, रिशु तिवारी, शिवम, अनुप्रिया, धीरज कुमार। अरे 00 बताओ चाहे एक ही बताओ, मतलब एक है। देखो पहले बताया करो ना, लास्ट में नाम नहीं बोला जाता है, पहले बताया करो, पहले पाया करो। चलो तो विस्थापन 0 है बच्चा, कितना है बाबू 0 है। समय अंतराल कितने का है भाई, समय अंतराल 1 घंटे का है तो 0/1। अच्छा एक बात बताओ तुम, क्या है बताए, ये हल करेंगे तो अनंत आएगा या 0 आएगा? मैं तो कहता हूँ अनंत आएगा। चलो इनफाइनाइट आएगा या 0 आएगा, क्या आएगा? बताइए। मैं बताता हूँ इसका आंसर 0 आएगा, समझना। अगर ये ऐसे होता 1/0 होता तब अनंत होता। याद रखना अगर किसी भी गिनती में 0 का भाग करते हैं तब अनंत आता है। प्रियंका, ओ प्रियंका सुन रही हो ना, अगर 0 से भाग करेंगे तब अनंत आएगा, अगर किसी भी गिनती में 0 से भाग करते हैं तब अनंत आता है, अगर 0 में भाग करते हैं। देखो से और में अंतर है, ये 0 में भाग हो रहा है, इसमें 0 से भाग हो रहा है, तो अगर से भाग हो रहेगा से, ये कुल मिला के समझ लो, सुनना नीचे रहेगा तो अनंत आएगा, सुनना ऊपर रहेगा तो 0 आएगा। बस कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके काम का है, लेकिन रात में अगर आप पढ़ो 9 बजे बेसिक तब समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि मेरा गलत होता है तो मेरा नाम बोलते हैं और सही बताता हूँ तो नहीं बोलते हैं, ये तो इंसान की प्रवृत्ति है भैया विकास जी। अगर तुम 1000 काम अच्छा कर रहे हो कोई तुम्हारा नाम नहीं करेगा, कोई बड़ाई नहीं करेगा, अगर तुमने एक गलती कर दिया ना सब कहेंगे देखो अभी का समझ आता है, देखो देखो वहाँ पकड़ा करा, समझ रहे हो ना। अच्छा काम करते रहिए कोई कहे या ना कहे, वो तो मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे तुम्हें लगे कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो तब तो ठीक ही है, तब बोलना थोड़ी जरूरी है, गलती करने पे टोकना जरूरी है। अविनाश यादव कमेंट आ रहा तुम्हारा बच्चा, ठीक है अच्छा है। देखो क्लास सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, 6:45 तक लगभग क्लास होती है, कभी कभी 6:40 तक ही होती है, और आज मुझे लगता है लेट में शुरू हुआ थोड़ा सा ना। चलो आगे, पहले तो क्लास को लाइक करो जल्दी से, फटाफट सभी बच्चे लाइक करके मुझे बताओ कि कर दिए हो ना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सुबह सुबह दिल नहीं तोड़ना। चलो बताओ फटाफट सभी बच्चे क्लास को लाइक करो भैया, ऐसे मजा नहीं आ रही है, जल्दी करो फटाफट। चलो इसी में और भी कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लेकिन लग रहा है यार अब। झूठ नहीं बोलना, जितने लोग नहीं करे मैं सबको देख रहा हूँ कौन नहीं करा है। अगला क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ता हूँ, सुनना। नरेश जी अगले सैटरडे को देना, ठीक है अगले को, आपकी टेस्ट हुआ ही नहीं था, आपकी टेस्ट नहीं हुआ था, मैथ में तो मैंने करवाया नहीं क्योंकि तुम लोगों ने 100 संख्या नहीं पूरा किया, इस वजह से मेरी भी जीत थी, मैंने नहीं कराया, साइंस में नहीं हुआ था। निरीक्षण आत्मक प्रश्न बताइए, क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि जब राम राम जब स्कूल जाता है तो उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर/घंटे है, वह जब इसी रास्ते से वापस आता है तो औसत चाल 30 किलोमीटर/घंटे है, तो आखिर राम की औसत चाल कितना है?
बताइए, सोचिए, राम जब स्कूल जा रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और जब वापस आ रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। मतलब लौटते समय ज़्यादा जल्दी है, कहीं जाना है तेज आ रहा है, तो एवरेज चाल कितना होगी बताइए, सोचिए और बताइए। कोई बताएगा? देखो मैं बताता हूँ, सुनो इधर साइड में, शिवम भाई कहाँ आसमान में उड़ रहे हो, कहाँ? पुरानी बैच चलती थी 200 प्लस हो जाता था, सही बता रहे हो यार, क्यों नहीं हुआ बीच में? गड़बड़ी इसलिए हो गया, जब आगे बढ़ जाते हैं ना, जब थोड़ा कठिन हो जाते हैं चैप्टर ना, तो बच्चे जो है नहीं पढ़ना चाहते हैं। चलो ठीक है, जब यहाँ पे हल करते हैं, जब राम स्कूल गया, जब राम स्कूल गया तो औसत चाल बराबर लिखो, औसत चाल बराबर कितना थी? 20 किमी पर घंटा। और जब राम स्कूल से आया, मतलब लौटते समय, औसत चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? आगे समझो, कह रहा है, एक बार फिर से सुन लो, राम जब स्कूल जाता है तो उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन उसी रास्ते से वो फिर वापस आता है, कहने का मतलब दूरी उतना ही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, तो राम की औसत चाल क्या है बताइए, औसत चाल क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात है, माना स्कूल जाने में लगा समय T1 तथा आने में लगा समय T2 है। माना स्कूल जाने में लगा समय T1 तथा स्कूल से आने में लगा समय क्या है? T2 है, इसको मान लो। वैसे तो है छोटा सा, लेकिन मैं विस्तृत करवा रहा हूँ जिससे आपको तरीका समझ में आ जाए, ठीक है? क्योंकि समय बराबर होता है, आप सबको पता है, दूरी बटा चाल, याद रखना, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वैसे समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब यहाँ से क्या करोगे, समय निकाल लोगे दोनों अलग अलग समय निकाल लो, ठीक है? तो T1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, दूरी कितनी थी, दूरी तो पता ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, दूरी को अगर यस मान ले तो चाल है 20, तो ये T1 हो जाएगा। T2 बराबर, दूरी नहीं पता है, दूरी को हमने यस मान लिया, तो आप एक को यस मान लो, चाहे तो एक S2 मान लो, नहीं S1 S2 नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि उसी रास्ते से जा रहा है, उसी रास्ते से आ रहा है, दूरी अलग नहीं है, दूरी बराबर है, इसलिए दोनों को यस मानेंगे। ये समझ रहे हो, इसे लिख लिया। अब मुझे बताइए कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है भाई, जाने आने का दोनों जोड़ लो, और हमें ये नहीं पता कितना समय लग रहा है, ऐसा दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे कुल समय, कुल समय इतना करने के बाद में इधर साइड में लिखना, इतना करने के बाद इधर साइड में करना, ठीक है? लिखो यहाँ पे कुल समय बराबर T1 धन T2, यस बटा 20 प्लस यस बटा 30, इनको दोनों को जोड़ लो बच्चा, और फिर मुझे बताओ कितना आएगा, हल करोगे तो यस अपान 12 आएगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे आएगा, इसको हल करना तुम जानते हो, कुल समय यस बटा 12 आएगा, ये 5 नहीं है, यस है, यस, यस फॉर स्लीप, ठीक है? समझ में आया ना? चलो, और कुल दूरी कितना होगी,
कुल दूरी कितना होगी भैया? जाने को मैंने माना था यस, आने को भी यस, क्योंकि उतने गया था उतना आया था। तो कुल समय मिल गया हमें, कुल दूरी भी लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊं। अब इतना लिख लो, पहले मैंने यहाँ लगाया था पहले, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ गया, इतना लिख लो तो आगे बताता हूँ। इतना लिख लो, आगे बता रहा हूँ। चलो, हमें कुल मिला करके दूरी और समय का ज्ञान हो जाए टोटल कितना है, तो हम निकाल सकते हैं जो यहाँ पे पूछ रहा है। लेकिन इसमें कुछ सीधा सीधा दिया नहीं गया था, याद रखना ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुल समय बराबर यस बटा 12 भैया, ये यस है, यस फॉर स्लीप। कुल समय यस प्लस यस, जाने में यस मैंने माना था, आने को भी यस माना था, तो 2 यस, ये कुल समय हो गया। आप लिखो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय होता है ना, तो कुल दूरी 2 यस है, कुल समय यस बटे 12 है। हल कर लेना है, तुम लोग बेसिक मैथ जानते हो, ऐसा नहीं कितने कमजोर हो, इसको हल कर लोगे। तो ये 2s भाई, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, तो 2s गुणे 12, नीचे आपका यस आ जाएगा, यस से यस कट जाएगा, यस से यस कट गया, तो ये 24 किलोमीटर पर घंटे आएगा। समझ में आया? हाँ, देखिए अगर ईमानदारी से पढ़ोगे बेटा तो समझ में आएगा, ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं। आया ना? चलिए लिख लीजिए, जो बच्चे नहीं समझ पाए एक बार फिर से देखें, जो नहीं समझ पाया एक बार फिर से देख ले इसको, वीडियो को पीछे करके समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगर आप कक्षा 9 में हैं और आप गणित पढ़ना चाहते हैं, जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करना है, तो सुबह 7 बजे से PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे अभी क्लास चलने चल रही है, 7वां चैप्टर चल रहा बेटा, ठीक है? तुरंत आ जाओ जल्दी से PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे, सुबह 7 बजे से मैथ चलेगी, इसमें आपका त्रिभुज चैप्टर चल रहा है, 7वां चलेगा आज।